सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था कि जब भी कोई सेंडर डिवाइस नेटवर्क पे किसी रिसीवर डिवाइस को इन्फॉर्मेशन भेजती है तो वो इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट? और उस छोटे पार्ट को हम नाम देते हैं पैकेट। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ठीक है? तो ये पैकेट्स सेंडर से रिसीवर के पास जाते हैं और रिसीवर उनको कलेक्ट करके उनको असेंबल करके उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है सो दैट रिसीवर को वो समझ आ सके, राइट? अब आईपी स्पूफिंग का यहाँ पे क्या नाम है, क्या रोल आ रहा है यहाँ पे, इसे देखिए। जब भी कोई पैकेट, अब मैं सिंगल पैकेट की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई पैकेट यहाँ से इस तरफ को जाएगा तो मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में कि ये किसने भेजा है, सोर्स एड्रेस, ये किसके लिए है, डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने डीसीएन में TCP/IP जो प्रोटोकॉल स्टैक है उसके अंदर शायद पढ़ी हो, ठीक है? अगर नहीं पढ़ी है तो इतना ध्यान रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेजेगा, राइट, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक छोटे पार्ट को हम नाम कह देंगे पैकेट, आईपी पैकेट या डाटा पैकेट या समटाइम डाटाग्राम। ओके, एक पैकेट को अगर हम ऑब्जर्व करें या उसे देखें तो उसके अंदर क्या क्या होता है, जो डाटा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन उस डाटा से पहले सोर्स का एड्रेस कि कौन इसे भेज रहा है, यानी कि सेंडर का एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है? डेस्टिनेशन एड्रेस, ये किसके लिए है, ये डाटा, ये पैकेट किसके लिए है, नेचुरली रिसीवर के लिए, तो उनका यहाँ पे एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अमेजोन से मैसेज मंगाते हो, सॉरी, कोई सामान मंगाते हो, मान लीजिए 4 आइटम्स आपने अमेजोन से मंगाई हैं, ठीक है? तो हो सकता है एक आइटम आपको पहले मिल जाए और रोल दो और तीसरी उसके बाद आए अगले दिन, हो सकता है चौथी जो आइटम है वो काफ़ी लेट पहुंचे, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है? वही यहाँ पे है कि आपने सेंडर, एज ए सेंडर, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेजनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और जितने भी वो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली रिसीवर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, और हर एक पैकेट के अंदर सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि जब भी जैसे 4 चीज़ें आपने अमेजोन से मंगाई, जो चीज़ आपको पहले मिली और बाद में मिली, अलग अलग इसमें पैकेट्स में मिली, उन सभी में सेम एड्रेस होगा, सेम एड्रेस मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस तो सेम ही होगा ना, आपका ही होगा। सोर्स एड्रेस मे बी वहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक ही ऑर्डर, सॉरी, एक ही सप्लायर है इन चारों आइटम्स का, तो सोर्स का एड्रेस सेम होगा इन सभी का कि कौन उसे भेज रहा है, और डेस्टिनेशन का एड्रेस वो भी सभी में पैकेट, इन जो पैकेज आपको पार्सल मिलेंगे उनमें सेम होगा, यानी कि आपका एड्रेस होगा। सो दिस इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो इसे आप वाई और एन की इसमें फॉर्म में मुझे बताइए कि इस चीज़ को आपको पता लग गया है सो दैट मैं आगे बढ़ सकूँ। तो दिस इज़ वेरी इजी, ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब भी आप कुछ अमेजोन से सामान मंगाते हैं, आपने 4 चीज़ें मंगाई हुई हैं, वो अलग अलग दिन पे पहुंच रही हैं, अगर एक ही उसका सप्लायर है मान लीजिए, और नेचुरली उनके सभी पैकेट्स पे सोर्स जो है एक ही होगा और डेस्टिनेशन एक ही होगा, ठीक है? डेस्टिनेशन में आपका घर का एड्रेस आएगा, वो सोर्स में अमेजोन का जो भी उसका सप्लायर है उसका एड्रेस होगा, ठीक है? अब देखिए, लेट मी इरेज सम पार्ट। अब हम आईपी स्पूफिंग में क्या देखेंगे। आईपी स्पूफिंग में क्या होता है, जो एक पैकेट है, मैं इस पैकेट को बड़ा ड्रॉ करके बता रहा हूं आप, ठीक है? दिस इज वन पैकेट, ठीक है? इसका सोर्स एड्रेस था, डेस्टिनेशन एड्रेस था, ठीक है? और ये सेंडर ने भेजा था, मान लीजिए रिसीवर को। अब ये सेंडर सेंडर नहीं है, ये एक अटैकर है बेसिकली, है तो ये बेसिकली सेंड करने वाला ही ओरिजिनली, लेकिन ये एक अटैकर है, ए इज नाउ अटैकर।
एंड आर इज रिसीवर, से इट इज अ सर्वर, ठीक है। और सेंडर ने क्या किया, जितने भी पैकेट्स इसे भेजे उसमें अपना जो एड्रेस था यानी कि सोर्स एड्रेस उसे चेंज कर दिया, उसे चेंज कर दिया। सो दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी डन, ठीक है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेंडर जो कि एक अटैकर है वो क्या करेगा, जितने भी पैकेट्स रिसीवर यानी कि सर्वर को भेजेगा उसमें अपना एड्रेस छुपा देगा, छुपा देगा नहीं मतलब उसे चेंज कर देगा, उसकी जगह किसी और मशीन का एड्रेस यहाँ पे डालेगा, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा, एक पहला बेनिफिट क्या होगा, जो अटैकर होगा, अटैकर का जो एड्रेस है वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, यानी कि वो सामने नहीं होगा, ठीक है। वो अपने अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया, एक तो रीजन ये है। दूसरा यहाँ पे ये क्या कर सकता है, सोर्स एड्रेस की जगह किसी और का एड्रेस नहीं डालेगा बल्कि एक फॉल्स एड्रेस डालेगा। फॉल्स एड्रेस ऐसा एड्रेस हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इससे क्या दिक्कत आएगी मैं आपको समझाता हूँ, आप पूरा सिनेरियो समझिए, अब आपको समझ आ जाना चाहिए जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब क्या है, ए इज अटैकर, सर्वर को वो कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेगा। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, आपने अपना ब्राउज़र खोला, फॉर एग्जांपल आपने इस वेबसाइट को खोला और उस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र पे देख पा रहे हो, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट किया वो इसने इसको रिप्लाई किया। अब अगर ये अगर अटैकर क्या कर रहा है, इसने सोर्स एड्रेस की जगह कुछ और ही लिख दिया, किसी एक ऐसी मशीन का एड्रेस लिख दिया, या तो वो वैलिड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर किसी और चीज़ का है। मान लीजिए बी नाम की एक मशीन है, और ये मान लीजिए विक्टिम है। विक्टिम का मतलब है अटैकर जो है इस मशीन को अटैक करना चाहता है, लेकिन वो किसके थ्रू करेगा, सर्वर के थ्रू। हाउ, वो सर्वर को कहेगा कि बी नाम की मशीन, यहां पे सोर्स एड्रेस किसका आएगा, बी का, सोर्स एड्रेस बी का आएगा कि मैं बी हूं। ए कहेगा सर्वर को कि मैं बी हूं, ठीक है, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजिए। तो जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचेगी, सर्वर इसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, वो किसको भेजेगा, नेचुरली बी को। नेचुरली वो किसको कहेगा, किसको डाटा सेंड करेगा, वो बी को, लेकिन बी उसने तो वो रिक्वेस्ट किया नहीं था, ठीक है। तो उन पैकेट्स को वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो एक पैकेट की मैंने बात कही, अगर इस तरह की पैकेट्स वो एक लूप में क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लाखों करोड़ों के हिसाब से वो पैकेट क्रिएट कर पा रहा है, वो सर्वर को ये चीज़ पता नहीं चलेगी, क्योंकि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों इसमें आए थे, जो भी पैकेट्स यहाँ पे आए, और वो वापस बी को वो चले जाएंगे, ठीक है। और बी जो है ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, ओवरलोड इन द सेंस कि ये देखिए ओवरलोड हो जाएगा और ये मतलब क्रैश हो सकता है ये वाला सिस्टम। सो दिस इज हाउ आईपी स्पूफिंग कैन बी यूज्ड इन, ये कौन सा अटैक है बेसिकली, ये डॉस अटैक। तो डॉस अटैक जब भी मैक्सिमम टाइम जो परफॉर्म होता है तो वो आईपी स्पूफिंग की हेल्प से ही जो है परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द टुडेज टॉपिक, सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन नाउ, आई होप एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ, लेट मी शेयर जस्ट 1 मिनट। तो अब हम इसे थ्योरी पोर्शन में देखेंगे, अगर आपका कुछ डाउट होगा तो फिर से मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आऊँगा, लेकिन वन एट अ टाइम ही मैं यहाँ पे कवर कर पाऊँगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, ये देखिए। सो आईपी स्पूफिंग क्या है, जैसे हमें पता है, वी नो दैट
व्हेन वन डिवाइस सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अनदर डिवाइस, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कुछ इंफॉर्मेशन भेजती है तब क्या होता है, देन द इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉलर पीसीज नोन एज नेटवर्क पैकेट्स। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेजेगा तो छोटे छोटे हिस्सों में उसको पीसीज में उसको डिवाइड करेगा, और हर एक पीस को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क पैकेट या फिर सिंपली पैकेट या फिर आईपी पैकेट्स। फिर क्या होगा, ईच ऑफ दीज पैकेट, हर एक पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होगा उसके अंदर ही। जैसे मैंने बताया पार्सल आपको आ रहे हैं अमेजोन से, उसमें सोर्स भी लिखा होगा डेस्टिनेशन भी लिखा होगा। डेस्टिनेशन आपका एड्रेस होगा और सोर्स किसका एड्रेस होगा, जिसने आपको वो सामान जो सप्लाई किया हुआ है। लेकिन आईपी स्पूफी में क्या होता है, स्पूफ करना होता है धोखा देना या चकमा देना, है ना। तो आईपी स्पूफिंग में क्या करते हैं, बेसिकली ये जो सोर्स एड्रेस है इन पैकेट्स में वो चेंज किया जाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दिस इज द मेन लाइन बेसिकली इन आईपी स्पूफिंग। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द सोर्स एड्रेस इन ऑल ऑफ दिस पैकेट्स इज चेंज्ड टू, किसमें वो चेंज किया जाता है, एक ऐसे एड्रेस में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉल्स एड्रेस, ठीक है, या फिर किसी और डिवाइस के एड्रेस पे वहां पे उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अमेजोन से कुछ पैकेट मंगा लिया और मैंने लिख दिया कि ये मीनाक्षी गौतम ने मंगाया, और उसके घर पे पहुंच गया बहुत बड़ा डब्बा, वो सारे परेशान हो गए कि ये क्या है, ठीक है। इट मे बी गिफ्ट, इट मे बी ए बॉम्ब, एनीथिंग, ठीक है, वही यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज डन, ये क्यों किया जाता है, आइदर टू हाइड सेंडर्स एंड सॉरी आइडेंटिटी, या तो सेंडर अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है, या फिर इम्पर्सोनेट अनदर कंप्यूटर्स, किसी एक कंप्यूटर में वो इम्पर्सनेट करना चाहता है, ठीक है, या फिर दोनों। तो ये है आईपी स्पूफिंग, और आईपी स्पूफिंग बेसिकली अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये बेसिकली डॉस या फिर डीडॉस अटैक को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज द मेन लाइन, सो मैंने अलग से लिखी है। आईपी स्पूफिंग क्या होगा, जिसमें हम सोर्स का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम किस लिए यूज करेंगे, टू परफॉर्म डॉस एंड डीडॉस अटैक। आगे देखिए डायग्राम में, देखिए ये देखिए सेम जो मैंने अभी आपको समझाया, देर इज अ मशीन अटैकर और ये है विक्टिम। ए अटैकर है, बी विक्टिम है, ए के टारगेट में बी है, ए जो है बी के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो क्या क्या करेगा, खुद मान लीजिए ए एक बहुत ही मतलब छोटी मशीन है, मान लीजिए ये स्मार्टफोन है या फिर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी और डिवाइस जो कि बहुत पावरफुल है, जनरली सर्वर, उसकी हेल्प से इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा। हाउ, तो वही यहाँ पे दिखाया है कि हाउ टू यूज़ आईपी स्पूफिंग इन डीडॉस या फिर डॉस अटैक। तो ए क्या करेगा, सोर्स एड्रेस की जगह एक फॉल्स सोर्स एड्रेस लिखेगा या फिर बी का एड्रेस लिखेगा बेसिकली, ठीक है। वो डेस्टिनेशन सेम रखेगा, डेस्टिनेशन यही रहेगा, ठीक है। और ये पैकेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जैसे मैंने दो ही चीज़ें आपको बताई, एक सोर्स एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बीच में वो डाटा होगा जो भेजना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जब सर्वर के पास पहुंचती है तो सर्वर उस मान लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, लेकिन उसमें सोर्स एड्रेस इसका लिख दिया है। तब जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँचेगी, वो डाउनलोड जो इन्फॉर्मेशन है सर्वर किसको भेजेगा, बी को, लाइक दिस। यानी कि अभी क्या हो रहा है, देखिए जब ये वाला पैकेट आगे जाएगा सर्वर की तरफ, तो ये किसने भेजा, बी ने, किसको, सर्वर को। है तो ये ए, लेकिन उसने बी का नाम ले लिया कि मैं बी हूँ, और वो डाटा जो सर्वर को जाएगा, तो नेचुरली जब सर्वर के पास पहुंचेगा वो बी को ही रिप्लाई करेगा, फ्रॉम सर्वर टू बी। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, एक फनी सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, तो सभी बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो एक शरारती लड़के ने क्या किया कि सर मेरा नाम पवन है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो सर ने मुड़ के देखा, पवन नाम का लड़का आगे आगे बैठा था, और पवन को पूछा, हाँ भाई पवन पूछो क्या पूछना है, लाइक दैट, जबकि पवन ने क्वेश्चन ही नहीं किया था। वही यहाँ पे हो रहा है, अब बी ने तो डाटा मांगा ही नहीं था, ठीक है। ए ने क्या किया, उसने कहा कि मैं बी हूँ,
मुझे डाटा भेजिए, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई और वो सर्वर ने इसको डाटा भेज दिया, और इससे क्या होगा, बी जो है यहाँ पे क्रैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक पैकेट की मैंने बात कही, अगर हजारों लाखों अगर पैकेट्स लूप में कंटिन्यूसली जा रहे हैं सर्वर पे और सर्वर उन्हें यहाँ भेज रहा है, तो इसकी कैपेसिटी जो है फेल हो सकती है, ये क्रैश हो सकता है सिस्टम। ठीक है, सो आईपी स्पूफिंग कहाँ पे यूज हो रहा है, डॉस या फिर डीडॉस अटैक में, यही तो है डॉस अटैक। अब होगा क्या, ये कैसे है ये डॉस डॉस अटैक? अब देखिए, जो लेजिटिमेट यूजर हैं इस सर्वर के, मान लीजिए सी नाम का यूजर है यहाँ पे, ठीक है, वो जब इस सर्वर से सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा उतने अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि सर्वर इसी के ही काम में बिजी रहेगा, इसने बहुत सारे पैकेट्स यहाँ पे लूप में इसे भेजे हुए हैं, ये उसका रिप्लाई करते जा रहा है कंटिन्यूसली बहुत फास्ट। ठीक है, तो जो जो लेजिटिमेट यूजर हैं वो क्या कहते हैं इसे, वो इस सर्वर की सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उससे वो दूर रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, जो लेजिटमेट यूजर हैं दे विल बी डिनाइड फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। सो दिस इज हाउ आईपी स्पूफिंग एंड डॉस एंड डीडॉस अटैक वर्क्स इन कॉम्बिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आईपी स्पूफिंग। अब आईपी स्पूफिंग से कैसे बचें, इसके लिए क्या है, देखिए 100% वी कैन नॉट स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम आईपी स्पूफिंग। ठीक है, हम जस्ट वहाँ पे प्रिकॉशंस या फिर कुछ मेजर वहाँ पे ले सकते हैं, सो दैट इस तरह के जो फॉल्स पैकेट्स जो ट्रैवल हो रहे हैं जिसमें सोर्स एड्रेस गलत लिखा हुआ है, तो उसको हम रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, इसे एक मेथड के थ्रू जो मेंशन किया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड इनग्रेस फिल्टरिंग। फिल्टरिंग करेंगे लेकिन इनग्रेस 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 एक नेटवर्क की जब हम बात करेंगे, या तो देखो एक पर्टिकुलर नेटवर्क की जब हम बात करेंगे, या तो उसके अंदर डाटा अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे भी साथ में ड्रॉ करता हूँ, होपफुली आपको ये विजिबल हो। सपोज देर इज वन नेटवर्क लाइक दिस, इसमें बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, और एक अटैकर क्या कर रहा है, जो कि एक्सटर्नल है, इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, जितने भी इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं बाहर से अंदर को, ठीक है, या फिर जितने भी पैकेट्स इस नेटवर्क से बाहर को जा रहे हैं, यानी कि टू द इंटरनेट, ये इंटरनेट से आ रहे हैं, ये इंटरनेट को जा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पे इनग्रेस फिल्टरिंग हम लगा सकते हैं। ऑल द इनकमिंग पैकेट्स टू अ नेटवर्क, ऑल द आउटगोइंग पैकेट्स फ्रॉम अ नेटवर्क, उन दोनों पे हम इनग्रेस फिल्टरिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब पैकेट अंदर आ रहा है, इनकमिंग पैकेट्स हैं इस नेटवर्क में, तब हम ये देखेंगे कि हर एक पैकेट को हम एग्जामिन करेंगे बेसिकली, कि उसका ओरिजिन सोर्स क्या है। जब भी पैकेट ए से नेटवर्क की ओर आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे हम उसे एंटर होते ही हम फायरवॉल पे या फिर एक पर्टिकुलर सर्वर पे एक प्रोग्राम रन करके इनग्रेस फिल्टरिंग कैसे करेंगे, कि जो भी पैकेट अंदर आ रहा है उसे हम चेक करेंगे कि उसका सोर्स एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस जो है वैलिड होना चाहिए, अगर इफ़ इट इज़ नॉट वैलिड तब हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इससे उल्टा जब पैकेट यहाँ से बाहर जा रहा है, इस नेटवर्क से बाहर जा रहा है, तब क्या होगा, उसे हम चेक करेंगे क्या जो सोर्स का एड्रेस है इनमें से किसी एक मशीन का है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है दैट मीन्स कोई यहां से अंदर ही अटैक परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, उन दोनों को ही हम ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि इनकमिंग पैकेट्स भी और आउटगोइंग पैकेट्स भी दोनों ड्रॉप किए जा सकते हैं, अगर आप इनग्रेस फिल्टरिंग को अच्छे से कन्फिगर कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ डन, थ्रू द फायरवॉल बेसिकली। फायरवॉल के अंदर हम रूल्स मेंशन करते हैं, ACL वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इनग्रेस फिल्टरिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आईपी स्पूफिंग से इस तरह से बचा जा सकता है। ओके, बाकी MITM दिस वी विल कवर नेक्स्ट टाइम, एंड लेट मी स्टॉप हेयर। तो इन टर्म्स ऑफ वाई और एन,
प्लीज टाइप, आपको ये समझ आया कि नहीं आया, या फिर मैं आपको फिर से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। यस, टाइप वाई और एन। ओके गुड, ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।